अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आफ्टरनून मेकअप, ठीक है। तो जिसमें मैं सबसे पहले जो है अपने फेस के ऊपर इन तीनों चीज़ों को जो है वो मिक्स करके लगाऊंगी, जो कि है ये सनब्लॉक है और ये है बीबी क्रीम और ये है लिक्विड हाइलाइटर, ठीक है। आप पिंक वाला जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो गोल्ड में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सब जो मुझे सामने यही नज़र आ रहा था तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया, पर आप पिंक वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है डे टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने ये जो है वो यूज़ करें। अच्छा, इसके अंदर जो है वो SPF होता है, लेकिन 35 SPF होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह अगर आप ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन चाह रहे हैं तो फिर आप सनब्लॉक भी लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो आफ्टरनून मेकअप है ना, तो इसीलिए सनब्लॉक मस्ट है, ठीक है। चाहे आप घर से बाहर निकलें ना निकलें, सनब्लॉक जो है वो लाजमी होता है लगाना। तो इसके अंदर साथ ही मैं लूँगी सनब्लॉक के अंदर मैंने लिया बीबी क्रीम, ठीक है, और इसके अंदर मिक्स करूँगी मैं ये लिक्विड हाइलाइटर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी मिक्स और इसे मैं अपने फेस के ऊपर लगाकर अपना फेस जो है वो बना लूँगी, ठीक है। ये देखें, इसे जो मैंने कर लिया है मिक्स, और बहुत झटपट झटपट जो है ये हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर डे टाइम में हम आई मेकअप भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसीलिए लेंसेज भी मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लेंसेज जो है वो वेयर कर सकते हैं। नेक को भी नहीं भूलना है, नेक पे भी लगाना है, और इसके बाद जो है ना मैं इसको ब्लेंडर से जो है वो ब्लेंड कर दूँ। मैंने ब्लेंडर जो है वो उठा लिया और इसको जो है ना पहले मैं फैला लूँगी अच्छे से, इनको भी मिक्स कर लूँगी। आप जो है वो ब्रश से भी पहले लगा सकते हैं, मैं वैसे जल्दी में तो हाथों में ना हाथों से पूरा जो है वैसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं पाउडर से उसको सेट करती हूँ, क्योंकि यही मैं अपनी आई के ऊपर भी इस तरह से कर लूँगी। इतना ज़बरदस्त जो है ना, ऐसा नेचुरल नेचुरल सा जो है ना एक हमारा ग्लो जो है ना वो निकल के आता है इससे। फिर जब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ना, लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस स्किन के अंदर से ही ना एक ग्लो निकल के जो है वो आ रहा होगा। जितना भी है ये हाथ से मैंने सारा साफ कर लिया, नेक पे भी। आप देखें कि आफ्टरनून मेकअप है तो उसके अंदर हम और जो है ना इसको बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल नेचुरल सा जो है ना वो लगेगा कि हमने कुछ लगाया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर गर्मी है तो फिर आपको पाउडर से जो है वो सेट लाजमी करना है, ताकि थोड़ा कम जो है वो पसीना आए। लेकिन पाउडर भी बस ना एक दफ़ा ले लें और उसके बाद जो है ना उसको लगा लें। अच्छा, ये वाले पाउडर पफ मुझे इतने अच्छे लगते हैं, ये फटते नहीं। मैं जितना इनको धो वॉश भी कर लेती हूँ ना अच्छे से, इतना मसल मसल के मैं इसको धोती भी हूँ ना, तो ट्रस्ट मी के बिल्कुल भी ये फटता नहीं है। वरना मेरे दूसरे जो भी है ना पाउडर वाले जितने भी पफ हैं वो सारे जो है ना मेरे फट जाते हैं, इनकी जो है ना मतलब अंदर जो उसके अंदर स्पंज होता है वो निकलने लग जाता है। तो ये जो है ना मैं जितना मर्ज़ी इसको वॉश कर लूँ ये फटता नहीं है माशाल्लाह से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। तो आपको भी अगर ये वाला नज़र आए ना तो पाउडर लगाने के लिए आप ये वाला ले लें, बिल्कुल सोचें नहीं, इसीलिए बता दूँ कि बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जैसी नज़र आए तो फ़ौरन जो है ना आपने इसको उठाना है और अपने पाउडर के लिए जो है ना वो ले लेना, फिर आप इसको जितना मर्ज़ी धोएं कुछ भी करें ये फटेगा, ठीक है। पाउडर हमारा लग गया, तो ये बेस आप देखें, ठीक है, बिल्कुल एक
नेचुरल नेचुरल सा लग रहा है। अब हमने क्या करना, हमने ज़्यादा टू मच तो कुछ भी नहीं करना है, तो अब मैं करती हूँ। अच्छा, तो अब मैं अपनी आईब्रोज को जो है ना सबसे पहले सेट करती हूँ। ये है नोट का जो है ना, ये 02 नंबर की जो है ना ये पेंसिल है, ठीक है। इससे सबसे पहले मैंने पाउडर जितना भी था ये अपनी आईब्रोज से झाड़ लिया, ठीक है। और अब मैं इस पेंसिल से बिल्कुल लाइट लाइट सी जो है ना होने के बराबर बिल्कुल नेचुरल सी जो है ना बस वो करूँगी, बिल्कुल नेचुरल सी, कुछ भी एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा नहीं बनाना है, बिल्कुल नेचुरल रखनी है। इस तरह से एक कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, आँखों के अंदर जो है ना ब्राउन काजल जो है लगा रही हूँ, ठीक है। ब्लैक भी लगा सकते हैं। ये हो गया ब्राउन काजल हमारा। अच्छा, अब मैं ना ये जो रिवाज यूके का लिप टिंट है, ठीक है, ये है इसका नंबर 12, ये 12 नंबर का जो है ना टिंट है, इसे मैं अपने लिप्स में ना लगाऊंगी। पहले मैं पूरा जो है ना इसको आउटलाइन वगैरह करूंगी इसको। अब मैं इसको फिंगर से ऐसे ब्लेंड करूँगी। मैंने पाउडर लगा लिया, वरना मैं पाउडर से पहले पाउडर लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि ये क्रीमी चीज़ें जो है ना हमें पहले लगानी चाहिए, तो मैं बातों में मेरे जहन से निकल गया। तो आपसे भी अगर ऐसा हो जाए तो आपने भी फिर कोशिश करें कि पहले पाउडर से पहले जो है ना ये क्रीम वाले सारे काम पाउडर से कर लें, ठीक है, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट जो है ना ब्लेंड करूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये जो बैनी टेंट है ना इसे मैं लिप्स के ऊपर ना लगाऊँगी, एक ज़बरदस्त सा जाने वाला है। तो सेंटर सेंटर आई के ऊपर भी जो है ना मैं इसी टिंट को लगाऊंगी, सेम यही जो 12 नंबर है रिवाज यूके का, इसी सेम शेड को ना मैं लगाऊंगी, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी है। अगर आप चाहें ब्राउन की तरफ जाना चाहते हैं तो कोई सा भी ब्राउन शेड लगा लें, कोई भी पर्पल सा शेड लगा लें, लेकिन एक कलर लगाएं, ठीक है। बस एक बार देखिए मैंने लिया है इसको और दोनों में उसी को ब्लेंड किया, ज़्यादा नहीं किया। अब मुझे अगर थोड़ा सा मैंने यहाँ से लिया और
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है। उसके बाद आप एक साफ फिंगर से इसको इस तरह भी कर लें ताकि कहीं पे भी ना कुछ वो ना, अच्छे से ब्लेंड कर लें जहाँ जिस फिंगर पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ उससे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये हाइलाइटर शेड लूँगी क्योंकि मेरे सामने से यही पैलेट रखा हुआ है। तो इससे ना मैंने यहाँ पे कोई कॉल हल्का हल्का सा हाइलाइटर लगा। क्योंकि आफ्टरनून मेकअप है तो दोपहर में इतना ज़्यादा जो है ना वैसे भी नहीं करना चाहिए हाइलाइटर, तो बिल्कुल हल्का हाथ रखना चाहिए हाइलाइटर पे। ठीक है, ब्लेंडिंग कर लें इसको ताकि कहीं पर भी रखा हुआ ना लगे, इतना बहुत है। माथे पे ऐसे हल्का हल्का एक आँख लें। अब मस्कारा लगा लेती हूँ, ब्रो बोन इनर कॉर्नर कुछ भी नहीं, बस मस्कारा लगाएं हल्का हल्का। लैशेस लगानी है तो लैशेस लगाएं, मेरी तो लगी हुई है तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका ब्लश वगैरह अगर आपको डार्क लगे, मुझे तो अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, और तो आपने पाउडर लेके इसको हल्का हल्का से ऐसे कर लेना, तो ये इससे क्या होगा, ये थोड़ा सेट भी हो जाएगा। ठीक है, वरना आप इसके ऊपर पाउडर ब्लश जो होता है वो भी लगा लेंगे तो आपके जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके अच्छे से हो जाएंगे सेट। ठीक है, और लाइनर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लें। आईब्रोज जो है मुझे फीकी फीकी लग रही है तो मैं क्या करूँगी, जो मस्कारा है ना मेरा, इन सब प्रोडक्ट्स को रख देते हैं, ये जो मस्कारा है मेरा इसको मैंने करना है साफ। ठीक है, कि बिल्कुल ना होने के बराबर इसके अंदर प्रोडक्ट को मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया। एक बार यहाँ कर लेती हूँ ताकि इसमें जो भी लगा है ना वो लाइट हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए ना आईब्रोज को ये कर लिया, कम से कम प्रोडक्ट में जो है ये मेकअप हो रहा है। ठीक है, लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाना ये लगा रही मैं। अगर आप चाहें लाइनर लगाना, ये जो ब्राउन पेंसिल मैंने अपनी आई के अंदर लगाई ना, इसको मैं हल्का सा एज अ लाइनर जो है वो यूज़ कर लूँगी। ठीक है, ऐसे के दोनों में एक फर्क लाइनर लगाने से, इससे जो है ना ये हमारा ये जो लैशेस का जो ये है ना वाला जो बैंड होता है ये भी थोड़ा सा हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, कोई मैं वो नहीं एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। ठीक है, बस इसको हल्का हल्का ये जो हमारा ये है ना ये वाला चीज़ जो हमारी लैशेस का जो ये है ग्लू वाला ये हाइड हो जाए अच्छे से, तो इसको जो है ना मैं बिल्कुल पतला पतला करके इस तरह से लगाऊंगी। यार देखें मैं किस तरह से पेंसिल को चला रही हूँ, यूँ ही चला रही हूँ, यूँ करके डॉट 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 करके इस तरह से ये देखें। लगाएंगे भी लाइनर और पता भी नहीं चलेगा कि आपने लगाया। ये देखें, क्लोज करके दिखाऊँ, ये देखो, ये देखें बिल्कुल लैशेस से यूँ कर करके ये इस तरह से। ब्लश वैसे मुझे कम लग रहा है ये अपना, लेकिन अब
खैर दिन में कम ही करना चाहिए, लेकिन मुझे आदत हो गई है ना। और छोटे से कोई से भी आप टॉप्स पहन लें, ज़्यादा जो है वो नहीं पहननी है ज्वेलरी, बिल्कुल लाइट सी छोटे छोटे टॉप्स वगैरह पहन लें, ठीक है। गर्मी है तो पोनी बनानी है, पोनी या हाफ क्लिप लगा लें, छोटे बाल हैं तो खोल लें, बड़े बाल हैं तो पोनी बना लें, ठीक है। तो अब मैं बाल बनाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं फ्रंट से जो है ना यही की रखती हूँ कि आजकल ये बहुत जो है ना ये चल रहा है स्लीक लुक, हेयर स्टाइल जो है बहुत आजकल इन भी हैं, तो बाकी के जो बाल हैं ना यूँ मैं इनको पीछे करके लूँगी, ठीक है। अब आप चाहें तो आप पोनी बना लें, आप चाहें तो आप हाफ क्लिप लगा लें, ठीक है। तो आप आपको दिखाती हूँ, अब ये मैंने लिए अपने बालों को, ठीक है, ये मैंने रखना है ताकि मेरा इससे जो है ना ये माथा भी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरे पीछे करती हूँ तो फिर गंजा गंजा लुक आता है ना, तो इसीलिए फिर मैंने यूँ करना है, जो आज के लिए चल भी रहा है कि आप ये कर लें साइड का। और अब आप इसको पोनी बना लें, या आप हाफ क्लिप लगाना चाहते हैं तो आप हाफ क्लिप भी लगा सकते हैं, ये देखिए हाफ क्लिप लगा लें, और इसको कर्ल्स करना है कर्ल्स कर लें, और ये ऐसे सेट होता है। कोई मैंने स्प्रे स्प्रे कुछ भी नहीं मैंने कर रही है, बस ऐसे ही मैंने किया हुआ, ठीक है। यूँ बना लें, पर ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यूँ फ्लैट चिपड़ा चिपड़ा सा बिल्कुल एक खिचकू खिचकू सा। तो मैं क्या करूँगी, इतने अपना ये जो है इसको छोड़ देती हूँ और यहाँ से बालों को खाती हूँ, तो इतनी स्टाइलिंग भी नहीं करनी मैंने। हाँ तो मैं यूँ कर लेती हूँ ना थोड़ा सा, तो अच्छा लगा था ये करीब यूँ करके बना देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पोनी बनाती हूँ, ठीक है भैया। आफ्टर नून मेकअप है तो इसलिए मैं कोई लट्टे वट्टे नहीं निकाल रही हूँ, कुछ भी नहीं। इस तरह से पोनी बना लें, ठीक है। और घर से बाहर जा रहे हैं तो सनग्लासेस लगा लें, तो बस हो जाएगी आपकी लुक बिल्कुल कंप्लीट। ये ऐसे बस आप बाहर जाने के लिए जब तैयार हैं, ठीक है। तो जी ये था आज का मेरा छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।